आप देख सकते हैं एनजी न्यूज की खास रिपोर्ट, ये तस्वीरें दिखाने पहुंचे गली का, जो हाल हुआ है, बदहाल है ये गली, और इस तस्वीर को लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो समस्या है इन लोगों की वो जल्दी से निपटारा हो सके। हम समस्या के लिए पहुंचे थे कि भाई ये समस्या है यहाँ गली में, और लोगों ने जाम भी लगाया है, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नमस्कार जी। तो ये जाम लगाया गया था, ऐसे बताया जी गली है, जो गली के कारण ये जाम लगा दिया गया था, तो क्या कारण है जी, गली का मामला है, क्या कुछ मामला है जी? सबसे पहले तो जी सभी को सोनिया बड़ौदा की तरफ से नमस्कार। देखो जी, वैसे तो मैं बाड़ू की रहूँ, चमेला कॉलोनी में मेरी मम्मी रहे हैं। अच्छा जी। मेरे फादर नहीं है, ये बताओ, यदि मेरे फादर नहीं है तो मम्मी को संभालने के लिए एक बेटी को आना पड़ता होगा। आना पड़ता जी। और मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा यहाँ पे, क्योंकि मेरे नाने मामे जो भी है, मतलब एक रिश्ता था, इसकी लोनी में रह के गई 18 साल। तो ये बताओ, जब गली पे स्टे आ रहा है, खुद ही दो आदमी स्टे लेके आते हैं गली पे। अच्छा जी। स्टे के बाद ये बताओ, सीवर ऊंचा करवाना या फिर मिट्टी डलवाना, ये करवा सकते हैं क्या? मैं प्रशासन से भी पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने इसको छूट दी है भाई, यहाँ पे सीवर हो सकता है, यहाँ पे दो आदमी है जी, ज्यादा दो आदमी, एक का तो मैं बिल्कुल नाम लूंगी रमेश सैनी। अच्छा जी। यहीं पे खड़ा हुआ उस आदमी का। अच्छा, औरों का मैं नाम नहीं जानती, उनका पूछने के बाद जवाब दूंगी। अच्छा, तो ये जो गली है आप बनाने के पक्ष में हो या नहीं हो? बनवाने के पक्ष में जी, यदि समझौता ये ईमानदारी के साथ भाई, ये कहते भाई चलो थोड़ी ऊंची या नीची, सलाह समिति से। अगर ऐसे आप मतलब आप विरोध करोगे वो हाँ करेगा, ऐसे तो फिर गली बनेगी और ये समस्या ऐसे की ऐसे खड़ी रहेगी जी। विरोध करने का तो जी कोई सवाल ही नहीं उठता, ये बताओ खुद ही तो स्टे लेके आते हैं। अच्छा जी। खुद ही विरोध करते हैं, विरोध का क्या कारण है यहाँ पे? या तो स्टे ना लेके आओ, समझौता करो, चार आदमी उनके और चार इनके, बैठ के करो बड़े आदमी। अच्छा जी। या फिर ये कैसे लग रहा है किसी लड़की को गाड़ी देना या फिर किसी को राजनीति का अपनी जगह जी, देखो इसमें कोई राजनीति का कोई वो नहीं है, नहीं मैं राजनीति का कोई पक्ष ले रही हूँ, जो कर रहे हैं सच के साथ कह रहे हैं। और यहाँ पर यदि किसी ने किसी की तरफ आंगली करी या कुछ करी, वो कानून जिम्मेदार होगा उस चीज का, मैं आज खुल के चेतावनी दे रही हूँ। अच्छा जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कई मकान ऐसे हमने देखा भी, गंदगी इतनी ज्यादा है कि उनके बच्चे भी नहीं बाहर निकल सकते। तो कारण क्या है मैं बता रही हूँ, जिन लोगों ने ये स्टे लिया था, अब क्या रहे उनके लड़के की, पता नहीं लड़की की शादी भी होगी शायद, वो सोच रहे भाई शादी हो जाए, ठीक है चलो शादी, हम भी चाहते हैं भी गली टनाटन बन जाए, और बहुत तकलीफें आ रही है, बिल्कुल दलदल मची हुई है गली में, आ भी नहीं सकते, बल्कि वाइट सूंटे थे छिंटे लगे, ये भी खराब हो जाएगा मेरा। हाँ जी। ये बताओ ईमानदारी के साथ जी, स्टे के बाद किसका कमनता है जी? स्टे के बाद किसका कमनता है? स्टे के बाद उन्हें कमनता है क्या का? भाई स्टे भी वो लेके आए, गोड़े पे जाम भी वही लगाए, और जो गरीब आदमी है बेचारे उनकी तरफ मरने भी वो भाग गए जी। और यदि मरना है, मैं खुले चेतावनी दे, गन लेके आंदे हो, गन गंडासा लेके आंदे हो, गंडासा इतना दम है उनकी छोरी में। तो फिर आप मतलब आप सहमत हो भाई गली बनाने में? सहमत हो? सहमत है जी। अच्छा। समझौता है गरीबों की, जो गरीब है नीचे घर उनकी भी समझौता, जो ऊंचे वाले जो नुकारे, मैं डाटा भी डला हाँ, उन डाटा भी डला था, मैं हाथ जोड़ का गाँव मारा भी हूँ तो को नहीं लड़न का टिकाई, तो समझौता कर दिया कर लियो, नहीं गाड़वा ऊंची उठन को नहीं दे, गरीब कड़ा जाओगे जी। और यदि जब हम टाटा भी डला हो, अरे पीछे है गरीबा ने पीछे दे, इधर गाड़ ऊंची पहले, कोई एतराज नहीं, बस मैं पीछे दे जाऊंगा, बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगी, वो तो प्रशासन को भी पता है और जो ऊपर है हमारी सरकार को भी। मैं अभी जिन पक्षों ने यह जाम लगाया था उनका साफ तौर पर यह कहना था कि भी आप हमारे घर में जाके देखो, बाहर भी देखो, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते इस गंदगी के कारण, लेकिन कुछ कारणों से ये गली है जो बननी नहीं थी, और ये सीवरेज है वो भी बन रहा था जिसके कारण से उन्हें रोक दिया गया है, तो क्या ये बात सच है जी? है ये बात कुछ सच है जी कुछ झूठ है, ये बताओ, बच्चे तो सभी का है। ये तो है नहीं भाई अमीर अमीर लोगों का बच्चे, बच्चे तो गरीबों का भी बन रहे हैं, दो बच्चे तो सबका बच्चे आज का टाइम है, क्या गरीबों के बच्चे स्कूल में नहीं जाते, क्या गरीबों के बच्चे नौकरी पे नहीं जाते,
गरीब कहीं खेत में नहीं जाता, मारे पर तो मेरा बाड़ी चुगन जाना पड़े खेत में, दलदल में को जावा। सोनिया जी, मैं एक बार आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या लगता है भाई इस प्रकार से समझौता हो सकता है अगर ये ऐसे ही बात करती रही? बिल्कुल टिकाई से। अच्छा जी, नाने मामे है, यदि टिकाई तनु घुवेगी नहीं बेटिया, बात नु है, नु कर लियो। माम खिलाफ नहीं है जी, गली माम भी खुद चाहा, परेशानी माम ने भी है, नु की थोड़ी ना, गली में तो कम से कम 50-60 घर हो गए इस गली में। तो आप क्या किस बात के लिए सहमत हो, गली के लिए किस बात? जी यदि वो टिकाई तो समझौता करने के लिए नहीं, नहीं लेवल का, लेवल की बात, लेवल तो देखो जी, पैलडा लेवल से गणी करें नहीं दमने चाहिए, पैलडा लेवल से गणी करें नहीं, मड़ा फर्क में कर सकता उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा घर दबे जी, वो तो फैसला मैं भी नहीं कर सकती, गरीब घर पूछने पड़ेंगे। और ये चाह रहे घर है जो मकान नीचे पड़ा है, मकान 10 है, पता नहीं 12 जी, 10-12, यदि ये तो 10-12 छोड़ दो जी, यदि एक मकान भी नीचे है नी तो भी खुद प्रधानमंत्री भी उनकी नहीं बना सकता। आपकी ठीक है जी, हाँ। लेकिन इस बात का तो फिर समाधान नहीं हो सकता अगर आपने इस जीत पे अड़े रहेगी, घर डूब जाएंगे, और ये कह रहे हैं जी हमारे घर गंदगी खिंडन लग रही है। मैं अनिल विज से प्रार्थना करना चाहूंगी, स्वास्थ्य मंत्री से कह रहे भी उनका अंडर माव है, ये अनिल विज से कहूंगी मैं, या तो ये खुद अपने आप स्टे तोड़वा दो, या फिर जो ये स्टे लेवा है 38 दिन ये तमाशे करा है, इन पर कुछ कार्रवाई की जाए। अच्छा जी, ये थोड़ी ना जी, कल ने किसी का यदि चोट लगी उसका जिम्मेदार कौन लेगा जी, इतने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब साफ तौर पर आपका ये कहना है कि आप गली बनाने के पक्ष में सहमत हो? बिल्कुल सहमत हूँ जी, मैं खुद चाहूँ भाई गली बनाए, और गली देखो कल बेटी भी आवा है, जमाई भी आवा, सारे आवा, एक तो गली टनाटन पावे जावा, और एक इतनी गंदी दलदल में से जाना पड़े, मामने भी है जी दिक्कत, हो दिक्कत किसको नहीं है, बूढ़ी बटेरी भी है, कोई पाइज भी है, सब तरीके के लोग है जी, है? लेकिन ये क्या है, एक लड़की का नाम ले दे जी, लड़की ये बताओ जब मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी यहाँ पे अकेली है, छोटे बहन भाई है, तो एक लड़की को तो आना पड़ेगा जी, देखो ठीक है जी, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, आप दे सकते हैं एनजी न्यूज की खास रिपोर्ट, यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो गली का मामला है उसको लेकर जाम लगा दिया गया था, और जिस पक्ष ने इसका विरोध किया था उन पक्ष से हमने बात करी है, साफ तौर पर सोनिया बड़ौदा जी पहुंची है, उन्होंने बता दिया है कि हम एक लेवल के अनुसार इस गली को, हम भी सहमत है इसके पक्का करवाने के लिए, अगर एक लेवल रखा जाए जिससे जो गरीब लोग हैं जिनके मकान नीचे है उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये रिपोर्ट एनजी न्यूज की खास थी, सही है। हाँ। जो गली है इन्होंने जाम लगाया था भाई, गली नहीं बनने देंगे, तो मतलब ये ठीक करे के कुछ करे, किसकी गलती है? गलती बन दिए को नहीं, आपको सटे दे दें, आपको बननी देंगे, सर पे आरोप लगाओ भाई, तुम नहीं बनने देंगे गली, नु आरोप लगाओ तुम गली नहीं बनने देंगे, हम तो रटंदे को नहीं बना लियो। अच्छा, हम कोई रोक हां जुकर पल्ला भी थी नहीं, नुए बना दियो, मतलब उसे लेवल के अनुसार बना दियो, उसे बना दियो। अच्छा जी, हां ओड़े को आता ही गली बनाने का पक्ष में हो आप भी, सगा छोई भी आना पहली है उसे बनाओ, पहली थी उसे बनानी चाहिए, ना तो जो गरीब आदमी उनके मकान डूबे है, और ना मतलब और किसी ने दिक्कत होवे, ये चाहो आप तो तो आप देख सकते हैं हिसार रोड पर जो चमेला कॉलोनी में जाम लगाया गया है, और ये गली को लेकर बड़ा मामला है, गली काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी है, जिसको लेकर जो गलीवासी है भाई मनाई जाए उसको, उसकी मांग को लेकर यहाँ पर जाम लगाया गया है, और कुछ लोग इसमें आपत्ति करते हैं, जिसको लेकर आपस में झगड़ा भी अभी आपके सामने दिखाई दे रहा था कि आपस में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था।